एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैक्टिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के पहले ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं रेक्टिफायर का, तो रेक्टिफायर के लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस लिंक को फॉलो कर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्वालिटी सिग्नल्स में। आप लोगों ने पुराने टीवी देखे होंगे, पहले वाले टीवी आपने देखे होंगे आई एम श्योर, जो जिन लोगों के घर में आज भी पुराने टीवी होंगे, या फिर आप कभी यूट्यूब पर डाल के देखना, यूट्यूब पे या कभी गूगल पे इमेज देखना, तो पहले के जो टीवी हुआ करते थे वो मोटे मोटे हुआ करते थे पीछे से, है ना, पीछे से मोटे मोटे, यानी कि कुछ इस तरह का जो शेप रहता था उनका पीछे से, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा शेप रहा करता था पीछे से, तो पीछे से इतना बड़ा पार्ट निकला हुआ करता था। आज की तारीख में तो जो आते हैं वो LED या LCD आते हैं, तो पहले आते थे तो वो इतने मोटे मोटे आते थे। इतने मोटे मोटे क्यों आते थे, क्योंकि इस मोटे सारे हिस्से में लगी होती थी वैक्यूम ट्यूब। इस मोटे सारे हिस्से के अंदर क्या लगी होती थी, वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब क्या काम करती थी, ये जो सिग्नल्स आते थे, जो वीक सिग्नल्स आते थे, उसको कन्वर्ट करती थी किसमें, क्वालिटी सिग्नल्स में। अब ये जो मोटे मोटे वैक्यूम ट्यूब्स थे, एक तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इतनी नहीं थी, ठीक है, और इनको बनाना भी आसान नहीं था। तो इसके लिए फिर जैसे जैसे रिसर्च चलती गई तो फिर क्या डेवलप हुए, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो डेवलप हुए, तो ट्रांजिस्टर से ये देखा गया कि ये भी जो वीक सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई कर रहे हैं, और उसी हद तक कर रहे हैं जिस हद तक वैक्यूम ट्यूब करती है। तो जब ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया, ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे थे जो काम कौन कर रही थी, वैक्यूम ट्यूब कर रही थी। अब ट्रांजिस्टर बने कैसे होते हैं, हमने इसके पहले पढ़े हैं डायोड्स। तो सेमीकंडक्टर जो डायोड हैं वो दो से मिलकर बने थे, NP या PN। तो ट्रांजिस्टर, और वहाँ पर हम दो की डोपिंग करते थे, है ना, या तो हम डोपिंग करते थे पेंटावेलेंट मटेरियल की या ट्राइवेलेंट मटेरियल की। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब एक थर्ड डोपिंग एलिमेंट और मिला दिया जाए, है ना, थर्ड डोपिंग एलिमेंट और मिला दिया जाए, यानी कि दो PP के बीच में N या दो NN के बीच में P, तो जब एक थर्ड डोपिंग एलिमेंट और मिला दिया जाए और वो इस तरह से हो कि दो क्रिस्टल डायोड का जोड़ा बन जाए, दो क्रिस्टल डायोड का जोड़ा मतलब एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो जब एक थर्ड डोपिंग एलिमेंट को इस तरह से ऐड किया जाए क्रिस्टल डायोड में कि दो PN जंक्शंस बन जाए, दो PN जंक्शंस बन जाए, तो जो वो डिवाइस बनता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर। जब एक थर्ड डोपिंग एलिमेंट को क्रिस्टल डायोड्स के अंदर इस तरह से मिलाया जाए कि दो PN जंक्शंस बन जाए, दो PN जंक्शंस बन जाए, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर। अभी जो हम ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। होते कई तरह के हैं, जैसे एक होता है FET, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं BJT की। तो ये जो BJT या जो सिर्फ मैं ट्रांजिस्टर बोलूं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है PNP और एक होता है NPN। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि PNP, अगर जब मैं बोल रहा हूँ तो PNP के केस में एक N को दो P के बीच में फंसाया हुआ है, या ऐसा मैं बोल लूँ कि ये कुछ ऐसे है कि दो ब्रेड रखी है, दो ब्रेड है, या बर्गर, आपने बर्गर जैसा देखा होगा टिक्की बर्गर, तो दो बर्गर है या दो बन है और उनके बीच में क्या रखा हुआ है, स्लाइस रखा हुआ है, जो भी टमाटर प्याज जो भी रखना चाहो वो रखे हुए हैं। तो सेम कहानी यहाँ ऐसे ही है। तो ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हो रहा है, या तो एन टाइप को या पी टाइप को दो एन टाइप के बीच में क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया, ठीक है, या तो एक एन टाइप को दो पी टाइप के बीच में या एक पी टाइप को दो एन टाइप के बीच में जब सैंडविच कर दिया गया, तो इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांजिस्टर नाम दिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट टू पी एन जंक्शंस फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग का मतलब वो ब्रेड जैसा, है ना, सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप
और एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बिटवीन बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप, बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब यही हुआ, आसान भाषा में बात करें तो एक एन टाइप को अगर दो पी टाइप में के बीच में, या एक किसको पी टाइप को दो एन टाइप के बीच में इस तरह से सेट कर दिया जाए, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं क्या? ट्रांजिस्टर। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें कुल मिलाकर कितने जंक्शन बन गए? दो जंक्शन। दो जंक्शन कौन कौन से? एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि ट्रांजिस्टर में कुल कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन होते हैं। देयर आर टू जंक्शंस। जंक्शंस कौन से? पीएन, पीएन जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हर सेमीकंडक्टर डायोड से एक टर्मिनल निकलता है, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, इसी तरह एक यहां से निकलेगा, एक यहां से और एक यहां से, तो तीन टर्मिनल निकलेंगे हर। देयर आर थ्री टर्मिनल्स ईच फ्रॉम एवरी डायोड। हर डायोड से एक क्या निकलेगा? टर्मिनल निकलेगा, हर सेमीकंडक्टर से, सॉरी एवरी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। बीच वाला जो सेक्शन रहेगा, जो ये बीच में है पीएनपी के बीच में, एन बीच में है, एनपीएन के बीच में, पी बीच में है, तो बीच वाला जो सेक्शन रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे? बेस। ठीक है, मिडिल सेक्शन जो रहेगा, देख रहे हैं आप बहुत पतला रहेगा, तो मिडिल सेक्शन इज वेरी थिन, मिडिल सेक्शन इज वेरी थिन एंड नेम्ड एज बेस, नेम्ड एज बेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ट्रांजिस्टर कैसे बना और इसके कितने टर्मिनल है। अब इसके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं इन टर्मिनल्स के, उनको हम जान लेते हैं कि वो नाम क्या होता है। ठीक है, तो जिनको हम टर्मिनल्स कहते हैं, तो देखो जो सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो होता है एमिटर, तो यहाँ पर भी होगा एमिटर। बीच वाला पार्ट होता है बेस और लास्ट वाला पार्ट होता है कलेक्टर। एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। अब सबसे पहले वन बाय वन एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। एमिटर क्या होता है? देखो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है एनपीएन। तो एमिटर का हिंदी में मतलब होता है उत्सर्जक, एमिटर का हिंदी में मतलब होता है उत्सर्जक। उत्सर्जक मतलब जो चीजों को एमिट करेगा। तो एमिट करने का मतलब क्या हुआ? यहां पर कोई चीज तो है नहीं, तो यहां पर या तो होल है या इलेक्ट्रॉन है। तो एमिटर का मतलब क्या हो गया? एमिटर वो वाला सेक्शन है जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स को अपने साथ रखता है और उन्हें एमिट करता है, उन्हें एमिट करता है जब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेक्शन विच सप्लाई मेजोरिटी चार्ज करियर्स को सप्लाई करेगा, यानी कि एमिट करेगा। वो चार्ज करियर या तो इलेक्ट्रॉन होंगे और या क्या होंगे? होल होंगे। इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब एनपीएन होगा। होल कब होंगे? जब पीएनपी होगा, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे? एमिटर कहेंगे। सप्लाई मेजोरिटी चार्ज करियर्स इज कॉल्ड एमिटर। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मेरे को क्या देखने को मिल रही है कि यहां देखो, ये सर्किट देखो, ये इनपुट जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसको मैं वन लिख देता हूं। तो ये पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, है ना। तो जो इनपुट सर्किट होगा, यानी कि जिसमें एमिटर लगा होगा, और यहां पर अगर ये बेस है, ये बेस है, तो एमिटर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। किसके रेस्पेक्ट में? बेस के रेस्पेक्ट में। एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा किसके रेस्पेक्ट में? बेस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको चार्ज को क्या करना है? सप्लाई करना है। तो सप्लाई करना है तो ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में? फॉरवर्ड बायसिंग में होगा किसके रेस्पेक्ट में? बेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं पीएनपी की बात करूं, और एनपीएन के केस में अगर बात करूं, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये बैटरी के किससे कनेक्टेड होगा? नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहां से हमें एक चीज पता लग रही है कि एमिटर इज ऑलवेज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड
फॉरवर्ड बायस्ड विद रेस्पेक्ट टू बेस। ये बेस के साथ हमेशा किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, ठीक है। और अमीटर से जो करंट निकलेगी उसको हम नाम देंगे आईई, ठीक है। तो करंट की ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, इससे जो करंट निकलेगी उसको हम आईई लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखने की बात है। फिर सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं किसकी, कलेक्टर की। तो कलेक्टर का हिंदी में नाम होता है संग्राहक, कलेक्टर का हिंदी में नाम होता है संग्राहक, यानी कि जो कलेक्शन करता है। तो एमिटर से जो निकली करंट है उसको जो कलेक्ट करेगा, है ना, जो दूसरे साइड पे होगा ट्रांजिस्टर के, और जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। द सेक्शन विच कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स इज नोन एज कलेक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे। एमिटर से आने वाली जो करंट है उसका जो मेजर पार्ट है वो कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा। और कलेक्टर से जो करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर करंट कहेंगे, ठीक है। अब किसको कलेक्ट करेगा, यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये कलेक्ट करेगा किसको, होल्स को। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये किसको कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक बार डायग्राम को वापस हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाला जो सर्किट है जिसको मैंने दो से लिखा है, जिसमें कलेक्टर जुड़ा हुआ है, तो ये कलेक्टर का पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसी तरह से यहाँ पे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है। इसका मतलब कलेक्टर जो है वो बेस के रेस्पेक्ट में हमेशा किस में लगा होगा, रिवर्स बायसिंग में लगा होगा, ठीक है। कलेक्टर हमेशा किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में, किसके साथ, बेस के साथ। तो इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बायसिंग विद रेस्पेक्ट टू बेस। ये बेस के रेस्पेक्ट में हमेशा रिवर्स बायसिंग में होगा। फिर थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं किसकी, बेस की। तो बेस कौन सा सेक्शन है, डायग्राम देखो। ये डायग्राम के अंदर ये जो पतला वाला पार्ट है, बहुत थिन वाला पार्ट है पीएनपी के केस में एन और एनपीएन के केस में पी। तो ये पतला वाला पार्ट है, जो थिन सेक्शन है, मिडिल सेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो मिडिल सेक्शन इज नोन एज बेस। और ये जो बेस है ये कलेक्टर और एमिटर के साथ मिलकर कितने पीएन जंक्शन बना रहा है, दो पीएन जंक्शन बना रहा है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्मिंग टू पीएन जंक्शंस विथ एमिटर एंड बेस। ये एमिटर और बेस के साथ मिलकर दो पीएन जंक्शन बना रहा है। अब एनपीएन जब है तो जो बेस है वो पी है, और जब पीएनपी है, जब बेस क्या है, एन है। यानी कि दोनों ही केस में इसके अंदर जो चार्ज है वो माइनॉरिटी चार्ज है। इसके अंदर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, माइनॉरिटी चार्ज है। तो माइनॉरिटी चार्ज है तो इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जो एमिटर के साथ बेस है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, और कलेक्टर के साथ ये किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। जब ये एमिटर के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो ये ऑफर करेगा लो रेजिस्टेंस, और जब ये कलेक्टर के साथ रिवर्स बायसिंग में होगा तो ये ऑफर करेगा हाई रेजिस्टेंस। क्यों, सीधा सा सिंपल है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो कब होगी आसानी से, जब उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। इसी तरह से रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होने का मतलब है उसको रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिडिल वाला सेक्शन है वो बेस है, ये फॉर्म कर रहा है दो पीएन जंक्शन एमिटर और किसके साथ मिलकर, कलेक्टर के साथ मिलकर। इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर ये क्या आएगा, कलेक्टर आएगा, ठीक है। कलेक्टर के साथ मिलकर और एमिटर के साथ मिलकर दो पीएन जंक्शन बना रहा है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो करंट बहती है उसको हम बोलते हैं बेस करंट, ठीक है। इट हैज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स सो अ करंट प्रोड्यूस्ड नोन एज बेस करंट। और उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, बेस करंट,
ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी ट्रांजिस्टर के बारे में, ऐसा कुछ इसमें था नहीं खास जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। तो होपफुली ये जितना भी हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर के बारे में वो अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इन केस अभी कोई डाउट है आपको या कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, और जैसे ही मैं आपके कमेंट को देखूंगा उसका तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है उसके कनेक्शन किस किस तरह के होते हैं और किस तरह से उनका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है। यदि आप लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।